फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं आ चुकी एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर के, जो कि है मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी, जिसका नाम है प्रियांशी। तो ये स्टोरी है कुछ ऐसी है कि मतलब जब उसने मुझे ये बताया, जिस तरीके से उसने बताया, उसी तरीके से मैं इसको फील करके इस स्टोरी को बताने वाली हूँ। तो कुछ टाइम के लिए मैं बन जाती हूँ प्रियांशी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मेरी है। जब मैं अपने ही रिलेटिव्स के घर पे गई थी, तो मैं गई थी काठमांडू नेपाल, जहाँ पर रहती थी मेरी बुआ। और आप लोग को पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2015 में एक ऐसा भूकंप आया था जिसकी वजह से नेपाल में काफी सारी जगहें बिल्कुल के बिल्कुल धराशायी, मतलब खत्म हो चुकी थी। तो वहां पर एक स्कूल था जो कि मेरी बुआ के घर से कुछ ही दूरी पर था, और वो काफी बड़ा स्कूल था, एक प्राइवेट स्कूल था, वो भी छोटे बच्चों का। जिस वक्त ये भूकंप आया था, उस वक्त क्या हुआ था, उस स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, स्टडी कर रहे थे, टीचर्स पढ़ा रही थी, तभी वो भूकंप आया था। और सारी की सारी जितनी भी बिल्डिंग थी स्कूल की, वो पूरी की पूरी गिर जाती है। और बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही अजीब सा एक एक्सीडेंट टाइप कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब दब जाते हैं, और काफी कम लोग ही वहाँ से जिंदा बच कर आते हैं, और काफी सारे लोग वहीं पर ही मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। तो मैं अपनी बुआ के घर गई थी 2019 में। तभी वहाँ की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, बहुत ही मतलब बहुत ही रेयर था कि चीज़ें कुछ सुधरी हो या कुछ बना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। तो मैं अपनी बुआ के घर गई थी, वो स्कूल तो पास में ही था, लेकिन जो मेरी बुआ का घर था वो बन चुका था, क्योंकि वो उसके बाद बना था, 2016-17 में बना था। तो नेपाल में हम लोग गए थे, हमारे मतलब जितने भी कजन्स थे हम सब लोग गए हुए थे। तो हमारा मन था कि हम रात को मतलब घूमें, बाहर जाएं, मज़े करें, और ये हम लोग मतलब सोचते थे, लेकिन हम जा नहीं पाते थे क्योंकि घर वाले कहते थे कि रात में कहीं नहीं जाना है, आप लोग को अंदर घर में रहो। तो एक बार हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग रात के वक्त ना चुपके चुपके बाहर जाएंगे। तो हम लोग पहले दिन जब बाहर गए, तो मतलब बाहर जब हम लोग गए तो नेपाल में मतलब काफ़ी पेड़ पौधे हैं और काफ़ी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए। तो हम ऐसे ही रोड पर घूमने लगे, तो अचानक से मेरी एक कज़न ने बोला कि चलो ना स्कूल के अंदर चलते हैं, अभी कुछ झूले हैं जो टूटे नहीं है, सलामत, सही सलामत है। तो मैंने कहा हाँ चलते हैं, वहाँ पे मज़ा आएगा, वहाँ पे थोड़ा मस्ती करेंगे। तो करीब 9 बज रहे थे, 9:30 होने वाले थे, 9 बज रहे थे। तो हम लोग उस गेट तक गए, मतलब उस गेट तक गए, तो वहाँ पे बहुत सारे ही मतलब फ्लैट थे, ब्लॉक, मतलब बहुत सारे ही एक कहते हैं ना घर वगैरह थे, या फिर फ्लैट टाइप कुछ थे, 3-4 मंजिल के थे। तो वो सब भी मतलब टूटे पड़े थे वहाँ पे, मतलब सब कुछ ख़त्म था। तो मेरी फ्रेंड कह रही यार चलना चलते हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, आत्माएं कुछ नहीं होती, स्पिरिट से क्या डरना, वो कौन सा हमारा कुछ कर लेंगी। तो हम 4-5 लोग थे, तो मतलब हम लोग ग्रुप में आ रहे थे, 2-2 करके ग्रुप में थे हम लोग। तो मैं अपनी जो कज़न के साथ थी, तो उसने मुझे बोला कि यार चल चलते हैं अब। तो हम लोग जैसे ही गेट के पास पहुँचे, गेट काफ़ी छोटा था क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल था, छोटे बच्चों का स्कूल होता है ना, छोटे छोटे गेट्स होते हैं। तो हम लोग जंप करके गेट अंदर जंप करके उस स्कूल में एंटर कर लिया। जब हम लोगों ने एंटर किया, वैसे ही मतलब बहुत अंधेरा हो रखा था, अचानक से लाइट चली जाती है, जितने भी आसपास के जो भी थोड़े आसपास में जो घर होते हैं ना, वहाँ की भी लाइट्स जा चुकी थी, मतलब वहाँ की भी लाइट्स बिल्कुल, मतलब पूरा एक हॉरर, मतलब एक हॉरर की तरह हर जगह, सारी जगह बिल्कुल हॉरर लग रही थी। तो हम लोगों ने कहा चलो चलो, जो डरेगा ना वो हार जाएगा। हम लोग अंदर गए, अंदर एक झूला था जो कि अपने आप हिल रहा था, तो हमें लगा हवा चल रही है ना इसलिए वो हिल रहा है झूला। तो मेरी जो कज़न थी तो कहते चलो वहाँ बैठ के ना झूला झूलते हैं। अचानक से हमें एक शैडो दिखती है, वो शैडो अजीब सी एक शैडो होती है, जैसे किसी छोटे बच्चे की शैडो होती है भागते हुए। तो हम सोचते हैं कि यार हम इतने सारे लोग आए हैं, कोई ना कोई इधर से उधर भाग ही रहा होगा, तो हम लोग नॉर्मल कहते चलो नॉर्मल है। फिर उसके बाद उस झूले तक हम जैसे ही पहुँचते हैं, वो झूला अपने आप स्टॉप हो जाता है, पहले वो हिल रहा होता है बट जैसे हम पहुँचते हैं बिल्कुल स्टॉप। मैं उसके पास जाती हूँ और कहती हूँ ये झूला कैसे हिल रहा था, कैसे रुक गया। तो मेरी फ्रेंड ने कहा हवा आ रही होगी, हम लोग आ गए तो रुक गया होगा, चलो उस पर बैठ के मज़े करते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें थी, कुछ रूम्स थे जो स्कूल के वॉशरूम थे और क्लासेस थी, तो वहाँ से ना चीखने की आवाज़ आई बहुत तेज़, तो हमें लगा शायद किसी और की आवाज़ होगी, बट ऐसा लगा कि छोड़ो क्या किसी चीज़ पर इतना ध्यान देना। हम लोग अपने मौज मस्ती में वापस से लग गए। फिर अचानक से वो शैडो में दोबारा से नज़र आई, तो मैंने अपनी कज़न को बोला कि यार मुझे एक शैडो नज़र आई। तो उसने बोला हाँ मुझे भी एक बच्चे की एक शैडो नजर आई जो कि मतलब इधर की तरफ भाग रहे, आगे पीछे भाग रहे हमारे।
तो हमें थोड़ा डर लगने लगा, तो हमने और लोगों से बोला, अपनी और फ्रेंड अपनी मतलब कजन से बोला कि यार यहाँ पे कुछ लग रहा है, लेकिन वो हमसे अडल्ट थे, हमसे बड़े थे वो सबके सब, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तुम लोग ज्यादा ही सोच रहे हो, बच्चे हो बच्चे हो करके हमें शांत करा दिया। उस समय मैं भी छोटी थी, 15 साल की थी, तो मुझे बच्चा ही समझेंगे और मैं मन गणत बातें कर रही हूँ, तो सबने मुझे शांत करा दिया। फिर जैसे ही मेरे भैया एक कजन थे जो कि काफी बड़े थे भैया थे, तो जब उनको ये शैडो नजर आई वो बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने तुरंत बोला कि यहाँ से निकलो। जैसे ही हम वहां से निकलने लगे तो शैडो हमारे पीछे तेजी से भागते हुए आने लगी। हम लोगों ने फटाफट से वो गेट से जंप मारा और बाहर आती हमारी सांसें बिल्कुल तेजी तेज हो गई और धड़कने बिल्कुल धक 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 पर बहुत ज्यादा तेज हो गई थी धड़कने, और ऐसा लग रहा था कि अभी ऑन द स्पॉट वो आएगी शैडो और हमें कैद कर लेगी, इतना ज्यादा डर लग रहा था हम लोगों को। उसके बाद जितने भी हमें जो ब्लॉक्स थे, जितने भी घर थे, फ्लैट थे, जितने भी मतलब जो कुछ भी था वहां पे, वो सब कुछ सुनसान था, लाइट भी जा चुकी थी और नेपाल में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइट के आने जाने की, तो हम लोग के पास फोन था, फोन के हम लोगों ने लाइट ऑन करी और रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था, अंधेरा था पूरा, तो हम लोगों ने उस लाइट की हेल्प से उस रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश करी। हमने एक दूसरे का हाथ बहुत कस के पकड़ रखा था ताकि किसी का हाथ छूट ना जाए, एक हमने एक चेन सी बना ली। उस रास्ते में बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी घर में से, चीखने और चिल्लाने की, लेकिन हम लोगों ने वैसे मतलब कि भगवान जी का नाम लेना शुरू किया, एक दूसरे को समझाया कि डरो मत, चिल्लाओ मत, बिल्कुल आराम से जगह से निकलते। जैसे ही हम थोड़ी सी दूरी पर मतलब घर के थोड़े से पास आ गए, हम लोगों ने मतलब थोड़ी चैन की सांस ली और बहुत ज्यादा डर गए। घर जाते घर वालों ने हमें मतलब बहुत सुनाया, हम लोगों ने बताया, तो फिर हमारी जो मेरी बुआ थी तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि वहाँ पे मतलब बच्चों की शैडो, बच्चे हंसते हुए या बच्चे खेलते हुए ऐसा लोगों ने देखा है, तो लोग बिना बताए ऐसे क्यों गए। तो उसके बाद से जब भी मैं ये चीज़ें याद करती हूँ, आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बट जब भी मैं ये चीज़ें याद करती हूँ मुझे बहुत डर लगता है। तो ये मेरी मतलब फ्रेंड की बात थी, बट मुझे ऐसा लगा मतलब मेरी प्रियांशी जो मेरी फ्रेंड थी प्रियांशी, ये उसकी बात थी, बट जब मैंने ऐसा सुना तो मैंने कहा ये कुछ ना कुछ तो ये मतलब मनगढ़ंत कहानी बता रही है। लेकिन जब मैंने गूगल पर सर्च किया कि 2015 में भूकंप आया था कि नहीं आया था, तो मुझे पता चला कि भूकंप आया था और वो स्कूल गिरा था, वो स्कूल अभी तक नहीं बनाया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स थे जो कि आज तक सुनसान पड़े हुए हैं। तो मैंने उसकी बातों पर बिलीव किया कि वो सच बोल रही थी और वो शैडो बच्चे की थी। तो फ्रेंड्स मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मतलब रात को ये कहानी सुनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मतलब बहुत टाइम के बाद मतलब मैंने हॉरर स्टोरीज शुरू मतलब सुनाई है, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, मैंने फिर बंद कर दिया था, बट मेरी जो वीडियोस थी वो बहुत सारी मतलब वीडियोस थी मैंने सेव कर रखी थी, तो मेरी वीडियो कंटिन्यू आई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं हॉरर तो उनको भी जाके फटाफट से देख लो, और मैं लाने वाली हूँ एक डेली ब्लॉग, तो मेरा वो डेली ब्लॉग भी जरूर देखना। ओके बाय बाय, थैंक यू।